फर्स्टली मैम, ग्रेट टू सी यू इन अ रियलिटी शो. काफ़ी आपने तो काफ़ी कमाल किया है टेलीविजन में, रियलिटी शो में. इट्स वेरी न्यू फॉर यू. व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू हैव राइट नाउ? I'm very nervous. I'm very, very nervous and very excited. Apart from the fact कि reality show है, पहली बार मैं कर रही हूँ. The fact कि ये खतरों के खिलाड़ी है, सबसे difficult reality show, क्योंकि बहुत ही scary होने वाली है situation. So I'm extremely nervous. स्टंट बेस्ड शो है मैम. यू नीड टू फिट बाय फिजिकली मेंटली. व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन डू यू हैव राइट नाउ? I have sadly not prepared much. But I hope as we go along, I'll build myself mentally and physically a little bit to be better with each task. एंड रियलिटी शो, दिस इज समथिंग न्यू. किस तरह से देखते हैं? एंड व्हाट वाज द वन थॉट दैट केम इन योर माइंड दैट जो आप करना चाहो, मतलब खतरों के खिलाड़ी किया आपने करोगे? एक तो मुझे लगा कि मज़ा आएगा, और ऐसे मौके अक्सर हमें नहीं मिलते हैं कि ऐसी चीज़ें करने को मिले, और रोहित सर के साथ काम करने का मज़ा आएगा. सो ये सभी रीजंस थे दैट कंट्रीब्यूटेड फॉर मी टू फाइनली मेक द डिसीजन ऑफ डूइंग द शो. मैम, दिस टाइम ओटीटी मीडियम इज़ अ पावरफुल मीडियम. वी हैव बीन पार्ट ऑफ पॉपुलर टीवी शो, तो जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में हैं, यू नो, थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि एक वक्त वो भी आएगा जब सिनेमा सिनेमा होगा. अभी फीमेल ओरिएंटेड इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आम तौर पे सभी फिल्म मेल ओरिएंटेड होती हैं, इसलिए वो एक अलग होना पड़ता है. बट फिल्में फिल्में होंगी जब इक्वल नंबर की कहानियां कही जाएंगी. बट द जर्नी हैज बिगन एंड इट्स वेरी वेरी होपफुल. मैम, कुमकुम भाग्य में काफी कमाल का किरदार था आपका. किस तरह के रियलिटी शो में हाउ फैंस आर गोइंग टू सी यू? और उससे तो काफ़ी अलग, क्योंकि जैसे रियलिटी शो है तो जैसे मैं रहूंगी शो पे उनको वही दिखेगा. हो सकता है उनको बहुत बोरिंग लगे क्योंकि ये किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो बस मैं हूँ. बट दैट इज द रिस्क आई एम विलिंग टू टेक. एंड कोई अदर कंटेस्टेंट के नाम भी काफी, कोई इससे जिससे मिलने के लिए आप काफी एक्साइटेड हो? सबसे एक्चुअली इनफैक्ट हम थोड़ी देर के लिए मिले, एंड इट्स एन इनक्रेडिबली वर्सेटाइल सेट ऑफ पीपल, और बहुत मजा आएगा सबके साथ मुझे लगता है. आप लोगों के बीच में एक विनर है जो हाल ही में एक विनर बने, मुनावर हाँ फारूकी. जी, हाँ जी. उसकी चर्चा करता हूँ मैं. मुनावर फारूकी के लिए कोई ऐसा एनी एनी स्ट्रेटेजी आपने की है व्हेन वी विल गो फॉर एलिमिनेशन टास्क, वन टू वन जब कम्पीट करना रहता है? मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ नहीं, तो मेरी स्ट्रैटेजी जो एक ही है कि मज़े करने हैं. आई एम गोइंग टू गो देयर, हैव अ गुड टाइम एंड ट्राई टू हैव फन, और बाकी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं. और बाकी जहाँ तक मुनावर का सवाल है, वो खुद इतने मतलब सक्षम हैं, इतने टैलेंटेड हैं. आई एम श्योर ही'ल डू रियली वेल, बेटर देन मी आई थिंक, एंड इट विल बी इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फन टू हैंग अराउंड विद हिम. एंड व्हाट फियर्स यू द मोस्ट, एनिमल टास्क, वाटर टास्क, एंड देयर आर मेनी अभी अदर टास्क? फिलहाल हरी चीज से डर लगता है, बट अभी आई थिंक ड्राइविंग टास्क विल बी द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं आता. और रोहित सर के साथ क्या, किस तरह की एक्सपीरियंस आप आई होप कि अच्छा रहे, आई होप कि बहुत मजा आए, और मैं हर टास्क अच्छे से कर सकूं ताकि उनको गुस्सा ना आए. एनी एनी स्मॉल मैसेज टू योर फैंस? थैंक यू फॉर ऑल द लव. प्लीज कीप वॉचिंग, ऐसे जबरदस्ती नहीं करूंगी. आई होप आई एंटरटेन यू इनफ सो यू कीप वॉचिंग द शो. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच.